सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से इस तरह के फोटो को कुछ इस तरह से वेक्टर आर्ट में तैयार कर सकते हो, बस ओनली वन क्लिक में, ठीक है। और ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना ताकि आप इस तरह का फोटो बिल्कुल सेम टू सेम एडिट कर पाओ। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और मैं इस चैनल के ऊपर लाते रहूंगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला ऐप को ओपन कर लेना है, और इसका नाम जो है ऐप का मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले आपका जो इंटरफेस है इस तरह से ऐप का खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम अपने फोटो को किसी इस तरह से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है, ठीक है, आप कैसे भी एडिट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे आप जाके अपने ट्रेंडिंग जो भी लोगों ने इस्तेमाल किया है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बेस्ट वाला वेक्टर आर्ट का इफेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ वाले देख सकते हो, ये वाला सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो फोटो है फुल फोटो नहीं आएगा, ठीक है। ओनली पहले आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, ओके। और यहाँ पे फुल फोटो आपका नहीं आएगा, ओनली आपके आपके फेस के पास ही आएगा बस। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में बताया, देख सकते हो क्लोज भी था उसमें। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप क्लोज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो फोटो एडिट करना है उसे आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे शेप पे क्लिक करके आप कैसे भी अपना फोटो के हिसाब से शेप ले सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, और यहाँ से एरो मार्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड आएगा, उस ऐड को आप बिल्कुल फुल देखना, ठीक है, 5 या 10 सेकंड का ऐड होगा। इसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपका जो फोटो है उसके साथ प्रोसेसिंग लेगा, और आपकी जो फोटो है उसे बिल्कुल वेक्टर आर्ट की तरह तैयार कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका पसंद का होगा उसे आप क्लिक कर लेना। और जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने फर्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम है CS एडिटिंग जोन। आप वहाँ पे क्लिक करके भी चैनल के ऊपर जाके उस चैनल पे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से होके आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको स्क्रीनशॉट लेके इस फोटो को सेव कर लेना है, ओके। और अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरे ऐप में कि कैसे आप उसका क्लोथ्स भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और इस ऐप का नाम है टोन ऐप, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको जो आगे पहले वाला जो ऐप था उसका नाम अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो क्रॉस वाला एरो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ पे अलो पे क्लिक कर देना, तो आपका सारा जो फोटो है लोडिंग हो जाएगा, ओके। पिछले वीडियो में मैं इस वाले ऐप के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद जो है आप अपने जो भी फोटो पहले आप लिए थे उसे आप लेके यहाँ पे कंटिन्यू टू द ऐप कर देना, और यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे क्लोथ्स का पार्ट चाहिए उसे आप ले लेना, ओके। तो मेरे को इतना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे करके एडजस्ट करके यहाँ से जो है डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो फेस है थोड़ा सा खराब हो सकता है, और जो टी शर्ट है वो भी थोड़ा सा खराब हो सकता है अगर आपने स्पेट्स पहना होगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो मतलब थोड़ा सा खराब आ गया है, तो हम पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऐड दिखाएगा, इसे आपको इस ऐड को आपको बिल्कुल फुल देखना है, ओके। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, और यहाँ से इसे आपको कट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फेस है यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो चुका है, और जो टी शर्ट है यहाँ पे ये भी थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो मैं आपको इसे जो है पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो यहाँ मैं सिखाऊंगा कि ठीक कैसे करना है पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है। तो चलते हैं पिक्सार्ट ऐप में। Thank you.
सो गाइस फर्स्ट ऐप का नाम टोन मी ऐप था। ओके यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।